जय भोले सीधा प्रसारण बाबा केदारनाथ धाम जी से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैम अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर राधा श्रीवास्तव। मैम थोड़ा तेज बोलिएगा, सुनाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर राधा श्रीवास्तव। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी कायनात जन्नत ऐसी लग रही है। केदारनाथ जी में आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस ये है कि यहाँ की वादियाँ, यहाँ की छटाएं, यहाँ की घटाएं देख करके कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल जन्नत की तरह और बहुत सुंदर खूबसूरत नज़ारा है, जैसे लग रहा हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मैं कोट कोट आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड का, बाबा केदारनाथ धाम बोर्ड का, कि बहुत अच्छा लग रहा है। बसरते एक छोटी सी गुजारिश है कि यहाँ पर वो यात्री जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर पैदल यात्रा करने की कोशिश करिए। अगर जो आपका वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो प्लीज़ जो है आप घोड़े के जगह पे हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें, क्योंकि इन घोड़ों की स्थिति देख करके बड़ा ही मन दुखी हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी खड़ी चढ़ाई है और बेचारे कैसे चढ़ रहे हैं। जय भोलेनाथ। हर अनुराध पैदल यात्रियों की जो रास्ता इतनी है, इसकी वजह से बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है पैदल यात्रियों को, तो थोड़ा थोड़ा सा रास्ता अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।